जी नाज़रीन, आप देख रही हैं सेवन प्लस न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट रमशा। खबर शामिल करते हैं हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान सिंध खैर मोहम्मद बसान की रिपोर्ट के मुताबिक मुबारकपुर से जमीयत उलमा इस्लाम हजरत मौलाना तारक खालिद महमूद सोमरू साहब, हाजी अब्दुल वाहद मुस्तवी से मुलाकात, हाजी बरकत अली मुस्तवी के रिहाशगाह पर मुस्तवी बरादरी से मुलाकात। मुस्तवी बरादरी ने हजरत मौलाना तारक महमूद सोमरू की आमद पर फूलों से निछावर किया और वेलकम किया गया। मुस्तवी बरादरी मुअज्जज शख्सियत हाजी अब्दुल वाहद मुस्तवी और मुस्तवी बरादरी के साथ सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और इलेक्शन में वोट किताब को देने का यकीन दिलाया। उलमा इकराम हम साथ देंगे और हजरत तारक खालिद महमूद सोमरू साहब ने मीडिया के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आइंदा हुकूमत इंशाल्लाह उलमाए हक की होगी, इस्लामी हुकूमत नाफिज होगी और इस धरती पाकिस्तान पर शरी निज़ाम नाफिज होगा इंशाल्लाह। इस मौका पर सहाफी नदीम मस्तोई, जाहद अली मस्तोई, करमुल्ला महर और बड़ी जदाद में शहरियों ने शिरकत की। आखिर में जमीयत उलमाए इस्लाम हजरत मौलाना तारक खालिद महमूद सोमरू ने दुआ खैर भी करवाई है। आप देख रहे हैं सेवन प्लस न्यूज़ HD।